चित्त के संस्कार। मैथुन से चित्त में संस्कार उत्पन्न होता है। यह संस्कार मन में वृत्ति अर्थात विचार उर्मी उत्पन्न करता है और यह वृत्ति पुनः संस्कार को जन्म देती है। भोग से वासनाएं प्रगाढ़ होती हैं। स्मृति तथा कल्पना के द्वारा काम वासना पुनर्जीवित हो उठती है। स्त्री की मूर्ति की स्मृति मन को अशांत करती है। यदि व्याघ्र ने एक बार मानव रक्त का स्वाद ले लिया है तो वह सदा मानव प्राण को मारने के लिए दौड़ता है। वह नरभक्षी बन जाता है। इसी भांति यदि मन को एक बार यौन सुख का स्वाद मिल गया तो वह सदा स्त्रियों के पीछे भागता रहता है। स्मृति के द्वारा मन में संस्कारों तथा वासनाओं की तरह से कल्पना प्रकट होती है। तत्पश्चात आसक्ति आती है। कल्पना के साथ ही मनोभाव तथा आवेग प्रकट होते हैं। मनोभाव तथा आवेग पास पास रहते हैं। तदंतर कामोत्तेजना मन तथा सारे शरीर में लिप्सा तथा चलन आती है। जिस प्रकार पात्र के अंदर रखा जल रिसकर पात्र के बाहरी भाग पर आ जाता है, उसी प्रकार मन में स्थित कामोत्तेजना तथा जलन मन से अस्थूल शरीर में फैल जाती है। यदि आप अत्यधिक सावधान रहें तो असद कल्पनाओं को प्रारंभ में ही भगा सकते हैं तथा आसन्न संकट का परिहार कर सकते हैं। यदि आप कल्पना रूपी चोर को प्रथम द्वार में प्रवेश करने भी दें तो द्वितीय द्वार पर जब कामोत्तेजना प्रकट हो सावधानी पूर्वक निगरानी रखें। अब आप जलन को बंद कर सकते हैं। आप प्रबल आवेग को इंद्रिय तक पहुंचाए जाने को भी सुगमता से रोक सकते हैं। उड्डयन बंद तथा कुंभक प्राणायाम द्वारा काम शक्ति को मस्तिष्क की ओर ऊपर ले जाइए। मन को दूसरी दिशा में ले जाइए। ओम अथवा किसी अन्य मंत्र का एकाग्र मन से जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। इस पर भी यदि मन का नियंत्रण करना दुष्कर प्रतीत हो तो तत्काल सत्संग में जाइए तथा अकेले न रहिए। जब प्रबल कामावेग अकस्मात प्रकट होता है और इंद्रिय तक पहुंचा दिया जाता है तब आपको सब कुछ विस्मृत हो जाता है और आप विवेक शून्य हो जाते हैं। आप काम के शिकार बन जाते हैं। बाद में आप पश्चाताप करते हैं। एक अंधे व्यक्ति में भी जो ब्रह्मचारी है और जिसने स्त्री का मुख भी नहीं देखा है, कामावेग अतीव प्रबल होता है। ऐसा क्यों है? यह पूर्व जन्म के संस्कारों की प्रबलता के कारण है जो अवचेतन मन में अंतः स्थापित होते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं
जो कुछ भी आप सोचते हैं वह सब चित्त अथवा अवचेतन मन की परतों में रखे रहते अथवा मुद्रित होते रहते अथवा अंकित होते रहते हैं। इन संस्कारों को आत्मा अथवा परमात्मा के ज्ञानोदय के द्वारा ही विदग्ध किया जा सकता अथवा मिटाया जा सकता है। जब काम वासना समस्त मन तथा शरीर को आपूरित कर लेती है तब संस्कार एक बड़ी वृत्ति का आकार धारण कर बेचारे नेत्रहीन व्यक्ति को उत्पीड़ित करते हैं। चेतन मन को नियंत्रित करना सुकर है किंतु अवचेतन मन को नियंत्रित करना बहुत ही दुष्कर है। आप एक सन्यासी हो सकते हैं, आप एक सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं। ध्यान दें कि आपका मन स्वप्न में कैसा व्यवहार अथवा आचरण करता है। आप स्वप्न में चोरी करना आरंभ करते हैं, आप स्वप्न में व्यभिचार करते हैं। कामावेग, महत्वाकांक्षाएं तथा अथम कामनाएं, ये सभी आप में जटित तथा अवचेतन मन में बद्ध मूल हैं। अवचेतन मन तथा इसके संस्कारों को विचार, ब्रह्म भाव तथा ओम और उसके अर्थ पर ध्यान के द्वारा विनष्ट कीजिए। जो व्यक्ति मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है उसके स्वप्न में कभी भी एक भी दुर्विचार नहीं हो सकता है। वह कभी भी दुस्वप्न नहीं देख सकता है। स्वप्न में विवेक तथा विचार के अभाव होते हैं। यही कारण है कि विवेक तथा विचार की शक्ति द्वारा जागृत अवस्था में निष्पाप होने पर भी आपको दुस्वप्न दिखाई देते हैं। एक साधक अपनी व्यथा निवेदन करता है। जब मैं ध्यान करता रहता हूं तब मेरे अवचेतन मन से मल की परतों के बाद परतें उठती रहती हैं। कभी कभी तो इतनी प्रबल तथा विकट होती हैं कि मैं किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं कि उन्हें क्यों कर नियंत्रित किया जाए। मैं सत्य तथा ब्रह्मचर्य में पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हूं। काम वासना तथा असत्य बोलने की पुरानी आदतें अब भी मुझ में छिपी पड़ी हैं। काम वासना मुझे तीव्र कष्ट दे रही है। स्त्री का विचार मात्र मेरे मन को क्षुब्ध करता है। मेरा मन इतना संवेदनशील है कि मैं उनके विषय में सुन अथवा सोच नहीं सकता। मन में ज्यों ही विचार आता है त्यों ही मेरी साधना भंग हो जाती है और सारे दिन की शांति भी खराब हो जाती है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, फुसलाता हूँ, डराता हूँ, फिर भी सब निरर्थक। मेरा मन विद्रोह कर बैठता है। मैं नहीं जानता कि इस काम वासना को कैसे नियंत्रित किया जाए। उत्तेजनशीलता, अहंकार, क्रोध, लोभ, घृणा तथा आसक्ति अभी तक मुझ में गुप्त रूप से विद्यमान है।
कामुकता मेरा मुख्य शत्रु है और यह अत्यधिक बलवान भी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे यह परामर्श दें कि इसे क्यों कर विनष्ट किया जाए। जब अवचेतन मन से मल निकलकर प्रबल शक्ति से चेतन मन के धरातल पर जाएं, तो उनका प्रतिरोध करने का प्रयास न कीजिए, अपने इष्ट मंत्र का जप कीजिए। अपने दोषों अथवा दुर्गुणों के विषय में अधिक चिंतन न कीजिए। यदि आप अंतर निरीक्षण करें तथा अपने दोषों का पता लगा लें तो यही पर्याप्त होगा। दुर्गुणों पर आक्रमण न करें, तब वे अपने उदास मुख दिखलाएंगे। धनात्मक गुणों का विकास करें। आप अपने को प्रायः चिंताग्रस्त न बनाते रहें कि मुझ में कितने ही दोष अथवा दुर्बलताएं हैं। सात्विक गुणों का विकास कीजिए। ध्यान के द्वारा धनात्मक गुणों के विकास से तथा प्रतिपक्ष भावना प्रणाली से सभी ऋणात्मक गुण स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। यही उपयुक्त विधि है। आप वृद्ध हो सकते हैं, आपके केश श्वेत हो सकते हैं, किंतु आपका मन सदा युवा ही रहता है। जिस समय आप जरा जीर्णता की परिपक्वता को पहुंच गए हों, उस समय आपका सामथर भले ही तिरोभूत हो गया हो, किंतु तृष्णा बनी रहती है। तृष्णाएं ही जन्म की वास्तविक बीज हैं। ये बीज रूपी तृष्णाएं संकल्प तथा कर्म उत्पन्न करती हैं और ये तृष्णाएं ही संसार चक्र को घुमाती रहती हैं। इन्हें कलिकावस्था में ही नष्ट कर डालिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्म भावना, ब्रह्म चिंतना, ओम का ध्यान तथा भक्ति गहराई में रोपित इन तृष्णा रूपी बीजों का उन्मूलन करेंगे। आपको इन्हें विविध कोणों से भली भांति खोज निकाल तथा विदग्ध करना होगा, जिससे ये पुनरुज्जीवित न हो सके। तभी आपके पास निर्विकल्प समाधि का फल देंगे। एक विद्यार्थी मुझे लिखता है, अशुद्ध सांस तथा त्वचा मुझे अत्यंत शुद्ध तथा अच्छे प्रतीत होते हैं। मैं बहुत ही कामुक हूँ। मैं सभी स्त्रियों के प्रति मानसिक मातृभाव विकसित करने का प्रयास करता हूँ। मैं महिला को काली देवी का रूप मानकर उसके समक्ष मानसिक साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तथापि मेरा मन अत्यंत कामुक है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? मैं सुंदरी स्त्री की बार बार झलक पाना चाहता हूँ। स्पष्ट है कि उसके मन में विवेक तथा वैराग का रंच मात्र उदय नहीं हुआ है। पूर्व के पाप में संस्कार तथा वासनाएं अत्यंत प्रबल हैं। निष्पाप ब्रह्मचारी भी प्रारंभ में कुतूहल द्वारा कष्ट उठाता है,
उसमें यह जानने तथा अनुभव करने का कुतूहल होता है कि संभोग किस प्रकार का सुख प्रदान करेगा। वह कभी कभी सोचता है, एक बार मैं स्त्री संभोग कर लूं तो मैं इस कामावेग तथा काम वासना का पूर्णतः उन्मूलन कर सकूंगा। यह यौन संबंधी कुतूहल मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मन इस ब्रह्मचारी को धोखा देना चाहता है। माया कुतूहल के द्वारा विनाश करती है। कुतूहल प्रबल इच्छा में रूपांतरित हो जाता है। विषयोपभोग कामनाओं को तुष्ट नहीं कर सकता। अतः कुतूहल की प्रबल तरंग को विचार अथवा शुद्ध लिंगहीन आत्मा संबंधी जिज्ञासा सतत ध्यान से काम वासना के पूर्ण उन्मूलन तथा ब्रह्मचर्य की महिमा और अपवित्र जीवन के दोषों के चिंतन द्वारा नष्ट करना ही विवेकपूर्ण उपाय है।